हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके मैकेनिक में। आज अपने पास एक गाड़ी है डिज़ायर, जो ऐसा हो गया था इसके नीचे के चैम्बर ही चैम्बर दिख रहा होगा आपको डैमेज, ये चैम्बर टूट गया था इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हो गया, ऑयल स्टैनर भी टूट गया इसका, ये दिख रहा होगा आपको ऑयल स्टैनर। तो अब इसका क्या करेंगे, अपन ऑयल पम्प खोलेंगे। तो ऑयल पम्प खोलने के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, डीजल गाड़ी है, ऑयल पम्प खोलने के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइमिंग लॉक करने के तरीका बताऊंगा मैं ऊपर से केएम का और क्रेन का। तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखना, और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या करना पड़ता है गाड़ी के अंदर। जो सबसे पहले अपन ऑयल पम्प खोलते हैं ना, यहाँ लगे मैंने चैम्बर वेम्बर खोल दिया था। चैम्बर खोलने के बाद मुझे मालूम चला कि ऑयल स्टैनर भी टूट रहा है इसके अंदर। तो ऑयल स्टैनर टूटा तो जाहिर सी बात है, अगर ऑयल स्टैनर टूटा है और गाड़ी चली है तो सबसे पहले अगर ख़त्म होगा तो वो होगा टर्बो। टर्बो चार्जर आपको पता होगा, ये लगता है कि टर्बो चार्जर, ये लीकेज भी हो रहा है। तो ये टर्बो चार्जर भी इसके अंदर ख़त्म है, क्योंकि पिकअप भी नहीं आ रहा। गाड़ी के अंदर टर्बो भी डलेगा और ऑयल पम्प भी डलेगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इंजन को यहाँ से पुली का बोल्ट दिख रहा होगा आपको, ये पुली के बोल्ट को घुमाना और यहाँ एक वाल लगाना लॉक करने के लिए। लॉक करने के लिए वाल लगाओगे तो यहाँ देखो एक होल आ रहा होगा, ये अपन वाल को लॉक करेंगे, फिर लेके पुली का बोल्ट खोलेंगे। और इसके अंदर ध्यान रखना उल्टी चूड़ी आती है, ठीक है, उल्टी चूड़ी आती है। ये अपन ने लॉक किया, खोलती टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, खोल तो आप यहाँ एक तरफ से नीचे से लॉक करके खोल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऊपर जब आप मिलाओगे, जब आप लगाओगे, तो फिर आपको देखना है मेन ऊपर केम का, केम जो आता है ना, केम का यहाँ पर निशान आता है। अभी मैं कवर ओवर खोलूँगा, ये बोल्ट दिख रहा होगा तुम्हें, ये बोल्ट खोल के हैं केम का निशान नज़र आएगा आपको इस जगह सामने। तो वो आपको केम का वो ये जगह बोल्ट खोलूँगा मैं, यहाँ बोल्ट के अंदर लगाते टाइम, खोलते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी खोल दो, बस नीचे लॉक करके खोल दो। और ऊपर लगाते टाइम ये ध्यान रखो कि ऊपर का केम का निशान भी लॉक करना है। ऊपर भी लॉक किया, नीचे तो लॉक है ही अपना, फिर लगा के अपन को पूरा ऑयल पम्प लगाना है, फिर लास्ट में पुली का बोल्ट टाइट करना है। ये दिख रहा है आपको, ये पुली का बोल्ट टाइट करना है। तो चलो खोलते हैं इसका ऑयल पम्प, खोलो पुली का बोल्ट ला भाई, गोटी वोटी ला। ये मैंने खोल दिया है बोल दिया, ठीक है। ये वाल ये लॉक किया, देखो अभी खोल रहा हूँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है ऊपर, बस अभी तो मुझे खोलना है। तो इसके अंदर उल्टी चूड़ी भी है, ध्यान रखना है ना, ये उल्टी चूड़ी है। ये पुली अपन ने निकाल दी है, ठीक है। अभी नीचे से लॉक है, अब जब मैं फिट करूँगा ना ऑयल पम्प, जब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अपन क्या करना है, ध्यान है, ये मैंने नीचे का तो हो गया, चैम्बर मैंने खोल ही दिया, तो अपन को लगाना है नीचे घोड़ी पड़ी है, ये अपन को लगाना है इस पर, ठीक है। अब गाड़ी नीचे लो, और गाड़ी उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले नीचे के बोल्ट है ना, जो जो दिख रहे हैं अपन को, ये दो नटे और ये बोल्ट, ये कैस्टर खुलेगा, वाटर बॉडी खुलेगी। गाड़ी नीचे लो, पहले गाड़ी नीचे लो, हल्का तो और हल्का तो और हल्की सी और बस ठीक है। ये लगा दिया अपन ने, क्या करेंगे अपन, ये पट्टी खोल लो, ये माउंटिंग खुलेगा, ठीक है। माउंटिंग खोलने के बाद ये माउंटिंग का ये वाला ब्रेकेट खोलो, पहले एक और भी इंजन गाड़ी बैठो, ये इंजन कवर हटो ऊपर का, ठीक है। आप वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा तरीके से बताऊँगा, और फिट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको पूरे तरीके से बताऊँगा। तो ये वाटर बॉडी खोल दिया अपन ने, टेस्टर भी खोल दिया है, पूरी खोल ही दी थी पहले। अभी ऑयल पम्प के सारे बोल्ट, ऑयल पम्प के जितने भी लग रहे हैं ना, ये सारे बोल्ट खोल दो ऑयल पम्प के, ऑयल पम्प बाहर निकालते हैं, नया डालेंगे अपन ऑयल पम्प को। ये वाटर बॉडी टेस्टर ये बड़ा है, ऑयल पम्प खोल पूरा। ये ऑयल पम्प अपन ने खोल दिया है, और इसका टाइमिंग किट तो वैसे सही है, टाइमिंग किट अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग किट अपन चेंज ही कर रहे हैं। वाली जाना कि अगर टाइमिंग किट में चेंज करना हो ना अपन को, तो बस समझ लो टाइमिंग किट भी यहाँ चेंज कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया ना वो पूरा प्रोसीजर कर सकते हैं अपन। ये ऑयल पम्प निकालिए, हाल ला इधर ला, ये ऑयल पम्प का स्टनर है, ये मैं तो ऑयल पम्प डाल रहा हूँ इसलिए मैंने खोला पूरी फिटिंग में, आपको बता रहा हूँ ऑयल पम्प। इसलिए आप भी अगर आपकी घड़ी अगर ध्यान से लो, देखो मैं बता देता हूँ, ये डैमेज हो रहा है चैम्बर, क्योंकि इसकी और इसकी लेंथ क्या बहुत कम आती है। ये लगता ना ऑयल पम्प, इसके और चैम्बर की लेंथ में इतना सा फ़र्क रहता है, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं, इतना सा फ़र्क रहता है। तो अगर थोड़ी बहुत भी अगर जोर से अगर झटका भी लगा है, चोट लगी ना, तो इस तरह की तरह तो सबसे पहले ऑयल पम्प टूटेगा जरूर आपका। तो आप गाड़ी भी चलो तो आपकी गाड़ी ध्यान से चलाया करो, खड्डे खोचड़ों का भी ध्यान रखा करो, यूँ कि अपन छोटा मोटा कोई पत्थर दिखाओ कुदा दे चला दे, ऐसा नहीं, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है इसके अंदर। अब ये टूटी और कस्टमर ने गाड़ी चलाई भी है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, टर्बो भी खत्म हो गया। तो मैं आपको टर्बो भी दिखाऊंगा, इसका खोलूंगा अभी टर्बो। ये ऑयल पम्प तो मैं नया डालूंगा,
इधर दिखाना। और ध्यान रखना, कभी भी ऑयल पम्प डालो या टाइमिंग किट डालो तो ऑयल पम्प की ये जो पैकिंग है ना, ये वाली, ये हमेशा नहीं डालनी है, पुरानी कभी नहीं लगानी है, ये पुरानी कभी लगानी नहीं है, हमेशा नहीं डालनी है। टाइमिंग किट डालने का भी प्रोसीजर एक तरह का देखा जाए तो ये का यही है, पूरा जैसे मैंने बताया ना आपको, वैसे कि वैसे पूरा खोलना है, नीचे लॉक करनी है। अगर सोचो मैं टाइमिंग किट डाल रहा हूँ इसके अंदर, कि टाइमिंग किट डाल रहा हूँ, इसे मैं नीचे लॉक कर दिया, खोल लिया मैंने। अब मुझे मेन क्या था, मैंने बताया था आपको कि जब अपन लगाएंगे, मैंने आपको बताया था नीचे जो वो नीचे तो लॉक कर दिया, ऊपर का क्या करेंगे, खोल दिया। अब जब लगाएंगे ना अपन, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, ले एक आठ की लंकी लेकर जाओ। अब ये अपन खोलेंगे, ये जो बोल्ट है ना, अब खोलेंगे अपन ये वाला, ये आठ की लंकी से ऐसे बोल्ट खोल के, नीचे तो अपनी अपना लॉक है, नीचे तो मैंने वाल लगी रहा मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से घुमाऊँगा इसको, केम को मैं यहाँ से घुमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेन घूमेगी नहीं, क्योंकि क्रेन तो फ्री रहेगी, ये गिरारी जो है ये फ्री रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं इसका, है ना, क्योंकि ये जो है ना जब चलती है साथ में, जब ये पुलिया पर लगाते हैं और बोल्ट टाइट करते हैं। मैं अपने अपने भाषा के अंदर और अपने तरीके के हिसाब से समझा रहा हूँ, देखो आपको थोड़ा बहुत उसका समझ में आया नहीं आया, थोड़ा एकदम सिंपल भाषा जैसे समझ लो, मेरे पास कोई खड़ा है और मैं उसको समझा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको यूट्यूब चैनल पर भी अपने समझा रहा हूँ। आज उठा चला आठ की लंकी से खोल फटाफट, ये मैं खुलवा रहा हूँ, ये डेबिट कवर का, ये मैं डाउल खुलवा रहा हूँ बोल्ट वाला। अगर यहाँ से अगर आउट है तो क्या होगा, मैं यहाँ से केम के 18 के पाने से लेके यहाँ से मैं घुमा सकता हूँ, और इसका भी डाउल मिला सकता हूँ, मैं केम को लॉक कर सकता हूँ यहाँ से भी। एक बार देखता हूँ पहले यहाँ से ये सही है पोजीशन पे, नहीं ये देखो आप देख सकते हो, ये मेरा तो एकदम पोजीशन पर सही है, तो मतलब मुझे इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है आपको, ये मैंने एकदम लॉक पे ही, मैंने नीचे जो लॉक किया ना, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, क्रेन अगर एक बार घूमती है ना तो केम आधी बार घूमेगी, कि क्रेन अगर एक बार घूमी, एक राउंड लिया पूरा, तो केम आधा राउंड ही हुआ, और क्रेन का दो राउंड हुआ ना तो केम एक बार घूमेगी, तो मेरा भी एकदम सही था। और अगर इसकी जगह नीचे जो लॉक है और इसकी जगह ये लॉक नहीं आ रहा मेरा यहाँ पे, तो क्या हुआ कि केम तो आधी बार ही घूमी, तो एक बार मुझे याद है केम सिर्फ नीचे से नहीं घुमाना है, फिर यहीं से घुमाना है मुझे, यहीं से घुमा के इसी तरह का ये जो दिख रहा है ना, अब मैं लॉक पर लगा दूंगा यहाँ पे केम का लॉक करना है मुझे इसी जगह पे, ठीक है। और फिर इस जगह से ऊपर से भी लॉक हो गया, नीचे से भी लॉक हो गया, पूरी फिटिंग हो गई नीचे से ऊपर, फिर मुझे क्या करना है, ऑयल पम्प लगाना है। ऑयल पम्प की पैकिंग जरूर नहीं डालनी, टाइमिंग किट डाल रहे हो तो टाइमिंग किट नहीं डाल दो, अगर आप टाइमिंग किट डालने के लिए खोल रहे हो ऑयल पम्प तो टाइमिंग किट नहीं डाल दो, जैसे मैंने बताया वो तरीके से ये पैकिंग मैं हटा दूंगा, पूरी ऑयल पम्प की फिटिंग कर को रखे, लास्ट में जब मैं पुली का बोल्ट टाइट करूंगा, आपको एक बोल्ट ये जो लगेगा मैंने आपको बताया था मेन बोल्ट, पुली का जब बोल्ट टाइट करूंगा तो ऊपर भी लॉक रहना चाहिए, केम का निशान आना चाहिए, नीचे भी एक बार केम का निशान आना चाहिए, तो जैसे अगर दोनों हो तो फिर पुली का बोल्ट फुल टाइट कर दो जितनी आपकी ताकत है, ज़्यादा भी नहीं करना है, तो यूँ भी नहीं कोई ताकतवर इंसान हो कि बोल्ट ही तोड़ दें, एक लिमिट से एक अपनी ताकत लगाओ, एक अंदाजा होना चाहिए हाथ का कि मेरा ये है लिमिट, तो उस हिसाब से बोल्ट टाइट करके टॉर्क भी लगता है, अगर आपके पास टॉर्क रिंच है तो टॉर्क रिंच से कर दो, और नहीं है आपके पास अंदाजे से करना चाहते हो तो अंदाजे से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल टाइट करने के बाद एक बार इंजन घुमा के देखो, वाल निकाल दो, ऊपर से लॉक हटाने के बाद इंजन घुमा के देखो, दोनों राउंड लेके देखो, एक बार लॉक हो जाएगा फ्राउंड नीचे से, फिर वापस केम देखो ऊपर से, मतलब एक बार टाइमिंग लॉक करने के बाद पुली का बोल्ट फुल टाइट कर दिया अपन ने, एक बार इंजन को पूरा राउंड देके देखो कि इंजन अटक तो नहीं रहा है, अगर अटक रहा है तो वापस टाइमिंग चेक करो, अगर नहीं अटक रहा है तो गाड़ी कंप्लीट है आपकी, फिर आप पूरी गाड़ी की फिटिंग चैम्बर वैम्बर लगा के फिट कर सकते हो। मैं एक बार ऑयल पम्प नया डालता हूँ, ऑयल पम्प लेकर नया और चैम्बर भी नया डालूंगा मैं इसके अंदर, ऑयल पम्प भी चैम्बर भी, और टाइमिंग किट तो सही है इसका, टाइमिंग किट तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, टाइमिंग किट तो एकदम सही है। ये ऐसी गाड़ी का अपने टर्बो खोल दिया है, ये टर्बो देखो दिखा सकता हूँ मैं, ये देखो दिख रहा है आपको, तो कहाँ से दिखाता हूँ, ये टर्बो खत्म हो गया, फिर आ गई ना ये, क्यों खत्म हुआ, क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं पहुँचा पूरा, क्योंकि अगर सबसे पहले इसके अंदर चैम्बर नीचे से अड़ी गाड़ी तो ऑयल स्टैंड टूटा, ऑयल स्टैंड टूटने से क्या हुआ, ऑयल पम्प ने पूरा ऑयल पहुँचाया नहीं टर्बो तक, ऐसी बात है स्टैंड टूट गया तो ऑयल पहुँचेगा कैसे, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ खत्म होती है ना तो वो होता है टर्बो, इसमें ऑयल पहुँचता नहीं और कस्टमर गाड़ी चलाता रहे, तो धीरे 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 फिर यहाँ तक लेकर आए, उनके ऑयल की लाइट आई, तो फिर अपन ने देखा तो अपने चैम्बर खोला, सबसे पहले चैम्बर खोल के अपन को देखा स्टैंड टूट रहा है, तो स्टैंड टूट रहा है, कस्टमर ने कहा मेरी गाड़ी पिकअप भी नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात टर्बो खत्म था, तो अपन ने खोला ये टर्बो भी खत्म है, तो आप भी अपनी गाड़ी का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि देखो अगर ध्यान नहीं रखोगे तो इतना बड़ा खर्चा आएगा, टर्बो कम से कम 15,000 रुपये का टर्बो है, 4-5 हज़ार का ऑयल पम्प है, चैम्बर है, कम से कम देख लो 20-25 हज़ार तक का तो खर्चा है इसके अंदर, देखो चलते चलते आ गया, अगर शायद अगर गाड़ी का ध्यान रखते तरीके से चलाते तो इतना खर्चा नहीं आता, तो इसकी सस्पेंशन फ्रेम भी बैंड है, हालांकि कस्टमर से बात की अपन ने तो उन्होंने मना कर दिया सस्पेंशन फ्रेम के लिए, तो क्यों इतना इफेक्ट नहीं है, मेन चीज़ तो ये खर्चे वाले काम तो ये आ ही गया है, ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना,
अब लगाता हूँ मैं इसके अंदर ऑयल पम्प, क्योंकि मैंने देखा पहले टर्बो खोल दूँ उसका, टर्बो खोल दिया मैंने, अब ऑयल पम्प लगाता हूँ मेरा। ये ऑयल पम्प आ गया अपने पास नया, उसके अंदर जो पुराना वाला में ये टूट गया था। ये हालांकि अलग से मिल भी जाता है, लेकिन क्या अपन ऑयल पम्प भी पूरा नया डाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बिगर ऑयल के ऑयल पम्प भी चलाओ, तो अपन तो ऑयल पम्प भी नया डाल रहे हैं। ये MGB का ओरिजिनल है, ये अपने पैकिंग नहीं लगा दी इसके अंदर। और ऑयल पम्प लगाते टाइम किस बात का एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा मैं आपको, ऑयल पम्प जब लगाते ना अपन, उसके लिए अपन को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। ले ऑयल पम्प डाल नीचे से, इधर ले नीचे, हाँ ऑयल पम्प आने दे नीचे से आएगा धीरे से, हाँ छोड़ दे। कैसा ऑयल पम्प? डबल मिला ले, डबल मिला ले ऑटोमेटिकली आ जाएगा, स्टेट मिला ले दोनों, स्टेट मिला ले तीन। हाँ देखा ये ऑयल पम्प लग गया अपना। अब ऑयल पम्प लगाने मैं जो चीज़ के बारे में बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छी जानकारी बता रहा हूँ मैं आपको, वो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, आपकी कभी दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी के अंदर। ले ऑयल पम्प के सारे बोल्ट लगा पहले, एक बार ऑयल पम्प जैसे अटका दिया अपने सारे बोल्ट लगा दो, उसके सारे बोल्ट अटकाने हैं, और हाथ से पास लेने हैं, रेचिट से पास नहीं लेने हैं ना। एक बार सारे बोल्ट लगाओ फिर बताता हूँ मैं तुम्हें किन बात का किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तू भी सुनना। ऑयल पम्प के सारे बोल्ट लगाओ एक बार, नीचे दोनों नटे भी अटका देना, ऊपर एक पर नट आएगी, तीन नट आएगी, है ना। ये ऑयल पम्प के मैंने बोल्ट लगा दिए हैं सारे, ठीक है, और हल्के हल्के पास भी ले लिए मैंने, अभी टाइट नहीं किए बोल्ट। और जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना ना, वो बहुत मेन चीज़ है, उस चीज़ का आप ध्यान रखो, वो है ये पुली, ये है पुली। अब ये ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखना, ऑयल पम्प जब लगाते हो ना तो ऑयल पम्प के बोल्ट टाइट मत करो, अगर टाइट कर दोगे तो क्या होगा, ये पुली आपकी है ना इजी नहीं जाएगी, टाइट जाएगी, तो आपको वापस ऑयल पम्प के बोल्ट यूज़ करने पड़ेंगे। तो अभी मैंने क्या करा, ऑयल पम्प लगाया और ऑयल पम्प के बोल्ट यूज है अभी, ले पुली डाल नीचे से, अब ये पुली एकदम लगा नीचे लगा, ये मैंने पुली लगा दी, अभी ऑयल पम्प के बोल्ट भी यूज है, अब ये पुली एकदम ये बैठ गई आराम से बैठ गई पुली एकदम। अब क्या करना है अपन को, अब ऑयल पम्प के सारे बोल्ट टाइट करने हैं। अगर पहले टाइट कर दोगे तो क्या होगा, आपकी पुली बहुत टाइट जाएगी, या फिर हो सकता है आपको ऑयल पम्प के बोल्ट यूज़ करने पड़ेंगे। तो लगाने से पहले ये ले लो, अभी मैंने अंदर डाल दिया एकदम फ्री एकदम, है ना, अंदर पूरी अंदर है। अभी ऑयल पम्प के सारे बोल्ट टाइट करूँगा मैं, सारे बोल्ट टाइट कर, और सारे भी बोल्ट अगर टाइट नहीं करो आप तो सिर्फ चार बोल्ट टाइट कर दो ऑयल पम्प के, फिर पुली निकाल के फिर एक बार सारे बोल्ट टाइट कर दो, ठीक है, समझ में आ गई क्या करना है इसमें। हाँ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ऑयल पम्प पास लेने के बाद टाइट मत करो, पुली अटकाओ पहले, है ना, पुली अटक जाएगी उसके बाद फिर ऑयल पम्प के सारे बोल्ट टाइट करो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा पुली भी आराम से अंदर बाहर जाएगी, नहीं तो क्या बहुत दिक्कत आएगी, हथौड़ी से ढोकोगे या फिर वो कुछ चीज़ डैमेज करोगे। और ये अगर मैं बताता हूँ, ये पूरी फिटिंग करनी है, फिर मैं वीडियो का ख़त्म करता हूँ, ये पूरी वीडियो, ये पुली का बोल क्या करना है, ऊपर से लॉक है मैंने कर रखी है, इधर दिखा, ये ऊपर से लॉक हो रहा है, वो ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो ऊपर से, और नीचे मैंने वाल लगा हुआ, ठीक है। अब ऑयल पम्प की पूरे फिटिंग करके मैं सारे बोल्ट टाइट करके पुली का बोल्ट लगा दूंगा, पुली का बोल्ट लगाने के बाद ऊपर भी लॉक है और नीचे मेरा लॉक वाल लॉक है ही है, तो क्या करूँगा, ये जो बोल्ट है क्या मेन पुली का बोल्ट, ये मेन पुली का बोल्ट है, ठीक है, ये मैं लगा रहा हूँ। अब इसको लगाने के बाद इसके अंदर उल्टी चूड़ी आती है, हमेशा ध्यान रखना है ना, सीधी चूड़ी कोई यूँ नहीं कि इसको टाइट करते रहे तो टाइट नहीं होगा, ये उल्टा घुमाना पड़ेगा अपन को तो ये टाइट होगा। बोल्ट लगाने के बाद नीचे से भी लोगे ऊपर से भी लोगे, फुल टाइट कर दो इस बोल्ट को जितनी आपकी ताकत है, और ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी कि बोल्ट टूट जाए, एक लिमिट होती है हाथ की, उस हिसाब से बोल्ट टाइट करने के बाद फिर नीचे का वाल निकाल दो, ऊपर की जो केम की जो लोक है ना वो भी निकाल दो। दोनों निकालने के बाद क्या करना, फिर इंजन को राउंड देना, बोल्ट टाइट करने के बाद राउंड देना, ठीक है। ये जो है ना पुली नीचे भी निकाल दो ऊपर भी निकाल दो, बोल्ट टाइट हो गया, अब राउंड दो इंजन को, एक राउंड हो गया, क्रेन एक बार घूमती है और गेम आधी बार घूमेगी, ध्यान रखना। एक राउंड हो गया, वापस दूसरा राउंड दो, दो राउंड अगर क्रेन ने कर लिए तो अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग एकदम कंप्लीट मिल चुका अपना, ना कोई दिक्कत आएगी, ना कोई वाल बेंड होंगे, ना कोई दिक्कत है, फिर आराम से गाड़ी स्टार्ट करो। अगर अपन ने ये सब कुछ मिला लिया फिर भी अपन इंजन घुमा रहे हैं, इंजन अटक रहा है, तो समझोगे अपना टाइमिंग आउट है। और अपन तुम देख रहे हो कि यार इधर भी सही बता रहा, नीचे भी सही बता रहा, तो हो सकता है फिर वो उधर वाली गेम घूम गई होगी, इससे टाइम रॉन्ग हो गया, तो उधर वाली गेम भी चेक करनी पड़ती है अपन को, ठीक है। अधिकतर होता नहीं है और अधिकतर हो भी जाता है, दिक्कत आ भी जाती है, तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आपको समझ में आ गया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आज के लिए इतना, ठीक है भाई, तो आप फिटिंग करते हैं पूरी।